अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफगानिस्तान मुकाबले पाकिस्तान T20 सीरीज का दूसरा मैच कब शुरू होगा, किन खिलाड़ियों को इस मैच में खेलने का मौका मिलेगा, हम इस वीडियो में पिच रिपोर्ट और मैच के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस चैनल में आपको क्रिकेट की तमाम खबरें मिलेगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह क्रिकेट की खबरें बर वक्त आप सबको मिल सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान के दरमियान T20 पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच शारजाह में 26 मार्च इतवार को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। अगर बात करें अब तक इन दोनों के दरमियान 2013 से लेकर 2023 तक 4 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तानी टीम मुकाबले जीती है और अफगानिस्तान ने अब तक पाकिस्तान से एक मुकाबला जीती है। यह मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और अगर इस ग्राउंड की पिच के बारे में बात करें, इस पिच के ऊपर अब तक 30 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें पहले बैटिंग करने वालों ने 16 मुकाबले जीते हैं और बाद में बैटिंग करने वालों ने 13 मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबला बराबर हुआ है। और इस पिच पे 150-160 रन बहुत मुश्किल से चेस होता है। और अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इन मैच में किन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए अफगानिस्तान से मैच जीतने के लिए, शान मसूद, सेम अयूब, मोहम्मद हारिस, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, शादाब खान, कप्तान इमाद वसीम, नसीम शाह, जमान खान, वसीम जूनियर, एहसानुल्लाह। इंशाल्लाह इस मैच में इन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट की फैन हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि क्रिकेट का आदमी